अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयद आर्मिला हसन। जनाब मंडे का दिन है, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ मैं जनाब आ चुकी हूँ आपको जगाने के लिए, क्योंकि संडे की छुट्टी के बाद आप थोड़े फ्रेश नजर आते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका संडे के बाद मंडे को ऑफिस आने का दिल नहीं कर रहा होता, मतलब कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन आज मैं फ्रेश होकर आई हूँ क्योंकि छुट्टी में मैंने कल अपनी पूरी नींद जो है वो प्रॉपरली ली है, और इसके बाद आप फाइनली आज नए हफ्ते का नया आगाज और अच्छे तरीके से करने के लिए मैं तो तैयार हूँ, और बहुत सारे लोग भी तैयार होंगे। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो कोई फिक्र करने वाली बात नहीं, हम आपको जगाने के लिए आ चुके हैं। टीवी ऑन करें, आपको पता लगेगा दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ लोग तरक्कियाँ कर रहे हैं, और हम यहाँ परेशान हैं कि हमें ऑफिस जाना है या नहीं जाना। अच्छा जनाब, आपको हम बताएंगे मैक्सिको से ताल्लुक रखने वाली 8 साल बच्ची के हवाले से, जिनको जनाब न्यूक्लियर साइंस पर उतरने, मतलब कहा जाए न्यूक्लियर साइंस प्राइज, जिसमें उन्होंने एक अचीवमेंट की है उस पर उनको न्यूक्लियर प्राइज दिया गया है। और इसने कम आमदनी वाले अफराद के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक इलेक्ट्रिक हीटर तैयार किया है जनाब, शमसी तवानाई से चलने वाला हीटर। और 8 साल जो ये खातून है और ये बच्ची हैं, हाँ बच्ची हैं ये 8 साल, और ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनको नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको की जानिब से न्यूक्लियर साइंस प्राइज दिया गया है। और सुशील ने रिसाइकल शुदा शाह से ऐसा हीटर तैयार किया है जो पानी गर्म करने में भी मदद दे सकता है। और ये जो 8 साल बच्ची, इनका प्लान है कि मुस्तकबिल में ये एक आला तालीम तो हासिल करेंगी, लेकिन इसके साथ इस तरह की मजीद टेक्नोलॉजी या इस तरह की मजीद जो अचीवमेंट्स हैं वो भी उसको भी हासिल करने की ख्वाहिशमंद नजर आती हैं। 8 साल की उम्र में इनकी जो इतनी ज़्यादा कह लें एक एफर्ट है शमसी तवानाई से हीटर तैयार करना, और उन लोगों के लिए जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, 8 साल की उम्र में नो डाउट एक बड़ी अचीवमेंट है, और जिस पर इनको प्राइज भी मिला है, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आगे जाके भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली है न्यूक्लियर साइंसिस में। अच्छा जनाब, ये तो हमने आपको बता दिया, अब इसके साथ साथ आपको एक और हम इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग आईफोन यूजर्स होंगे और आपने आईफोन एक्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, और आईफोन आपको पता है कि एक महंगा ब्रांड है, मतलब फ़ोन्स का आप इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप आईफोन एक्स $1,000 में ख़रीदते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन अब अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, अब तो फ़ोन्स की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, अगर आप $1,000 में ख़रीदना आपको बहुत महंगा लगता है, तो इससे भी बहुत महंगी चीज़ आ चुकी है जनाब, और आप परेशान हो जाएंगे। ये जनाब एक नया उन्होंने स्पेशल एडिशन किया है, जो सोने हीरो और नायाब जो चीज़ों से मुजयन आईफोन XS ग्रैंड, जो के कम्प्लेक्शन स्केलेटन डायमंड एडिशन इसको कहा जा रहा है, ये रेगुलर आईफोन XS से काफ़ी मुख्तलिफ है, और इसके बैक पर एक मकैनिकल घड़ी दी गई है। और जनाब QR आईफोन X डायमंड एडिशन जो है आईफोन XS और आईफोन X मैक्स दोनों में दस्तयाब है, और इसमें 256 से 512 GB स्टोरेज ऑप्शन दिए गए हैं, और इस फोन के बैक पर टाइटेनियम की गोल्ड प्लेटिंग और 250 हीरे सजाए गए हैं जनाब। और इसके सिर्फ जो कहा है क्योंकि स्पेशल एडिशन है तो 99 आईफोन्स तैयार किए गए हैं, और जो मैकेनिकल घड़ी का डायल है वो टाइटेनियम से बना हुआ है, जबकि घड़ी के जो शीशे है उसको भी नहायत मजबूती के साथ बनाया गया। अच्छा जनाब, अब सारी बातें तो ठीक है, स्पेशल एडिशन है, बहुत सारे हीरे भी लगे हैं, घड़ी भी बनी हुई है, लेकिन इसकी कीमत कितनी होगी? आप रेगुलर आईफोन एक्सेस खरीदते हैं $1,000 में, ये आपको मिलेगा जनाब $24,500 में, यानी कि पाकिस्तानी आंखों को 35 लाख रुपये बनते हैं उसका आप एक फ़ोन ख़रीदेंगे। यह 35 लाख में मतलब क्या क्या कर सकते? अच्छा वैसे ना बहुत सारे लोग उनकी आदत होती है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें फ़ोन्स के हवाले से बहुत कॉन्शियस, और कुछ कहते हैं कि फ़ोन वो चीज़ नहीं है जिस पे आप इन्वेस्ट करें, और कुछ कहते हैं कि फ़ोन आपके हाथ में अच्छा होना चाहिए। आई एम वन ऑफ देम, मुझे लगता है आपको फ़ोन पे इन्वेस्ट करना चाहिए कभी कभी, मतलब आपको अप टू डेट रहना चाहिए। तो ये जनाब अगर आप ख़रीदना चाहते हैं 35 लाख रुपये का आईफोन XS डायमंड एडिशन, तो आप उसको ख़रीद सकते हैं, मतलब दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया जनाब, घर बार बेच दे, गाड़ी बेच दे, सब बेच बूझ के फ़ोन ले ले आप, और फिर इसको लेके क्यों घूमें। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और रीसेस आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, अब हम आप अक्सर जो वारदातें होती हैं चोरी डकैती की, उसमें आप देखते हैं कि किसी ने नकाब पहना होता है, किसी ने कुछ पहना होता है, आप पहचान नहीं सकते। चाइनीज़ ने एक जनाब नया जो कह लें टेक्नोलॉजी या एक नई एप्लीकेशन मुतारिफ़ करवा दी, और वो क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है चाइनीज़ ने, जो उनके लोगों को उनकी जो कह लें अपेरेंस या उनकी चाल से पता लग जाता है कि ये कौन सा शख्स है या किस तरह से उनकी
जो कह लें शिनाख्त की जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी जो है बैग से देखते हुए या चेहरा ढांपे हुए शख्स को भी उसकी चाल से शिनाख्त कर सकती है और ये गेट रिकॉग्निशन है नामी ये टेक्नोलॉजी है जिसकी मस्नूई जहानत के स्टार्टअप जो है वाटरिक जिसको कहा जाता है उसने लोगों की चाल और जिस्मानी साख के हजारों नमूनों से डेवलप की गई है और लेबोरेटरी में इसकी जो केले जो इसका टेस्ट था वो 96% कामयाब रहा है और ये किसी भी एंगल से किसी भी शख्स की चाल को देकर उसकी शनाख्त कर सकती है। ये ऐप टांगों चेहरे या जिस्म को ढांप कर आप इस टेक्नोलॉजी को धोखा नहीं दे सकते हैं और ये जो गेट रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है इसका जो मौजूदा वर्जन है वो रियल टाइम वर्जन है जिसमें किसी भी शख्स को शनाख्त नहीं कर सकता लेकिन कंपनी का दावा है कि इसका सॉफ्टवेयर 1 घंटे की वीडियो का 10 मिनट में 94% जो दुरुस्तगी से कहले इसको शनाख्त की जा सकती है और वाटरिक्स ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है और कंपनी का ये कहना है कि बेहतर नतीज के लिए टेक्नोलॉजी को साथ इस्तेमाल करना चाहिए और ये टेक्नोलॉजी जो जनाब एक सॉफ्ट ऐप की शक्ल में मौजूद है जिससे आप किसी शख्स ने अगर चेहरा ढांप पाए या वो वॉक करे उसकी चाल से शख्स की शनाख्त हो सकती है। चाइनीज भी बहुत इस ऐसी चीज़ों पर वर्किंग कर रहे हैं और अभी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी पिछले दिनों भी कुछ मैं इस तरह का ही शेयर करी थी कि लोगों को उनकी जो इस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है उनके जेस्चर से वो देखकर बता सकते हैं कि चोरी की नीयत से आए नहीं, ये भी चाइनीज ने डिवेलप। जी जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, न्यूज़ स्टोरीज पे डिस्कशन करेंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।